अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हेलोइन पार्टी के समय भगदड़ मचने से 151 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 19 सैलानी भी शामिल है। इस हादसे में 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दक्षिण कोरिया की नेशनल फायर एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक इटाबन लेजर जिले में एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने से यह घटना हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में सरकारी दफ्तर के पास 2 धमाके हुए जिसमें 100 लोगों की मौत हुई। जिस जगह पर धमाके हुए वहां भारी भीड़ जुटी हुई थी। 2 कारों में बम लगाए गए थे जिससे विस्फोट हुआ। ये धमाका उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति और पीएम हिंसक उग्रवाद से लड़ने पर चर्चा कर रहे थे। हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि चरमपंथी संगठन अल शबाब शहर को निशाना बनाता रहा है। इराक का पूर्वी बगदाद जोरदार धमाके से दहल उठा। एक फुटबॉल स्टेडियम और एक कैफे के पास विस्फोट हुआ जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, जबकि इस भीषण धमाके में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये धमाका कैसे हुआ इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। अफगानिस्तान के हेरात शहर में तालिबान सरकार के सदस्यों पर हमला हुआ है जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद हेरात शहर में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि इस हमले में तालिबान सरकार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, जिसकी जिम्मेदारी ISKP ग्रुप ने ली है। ISKP एक आतंकवादी संगठन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 94वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि हमारी आस्था का प्रतीक महापर्व छठ है। छठ महापर्व के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि छठ का पर्व स्वच्छता पर जोर देता है और अब सोलर एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया भविष्य देख रही है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से अब किसान कमाई कर रहे हैं। किसान कुसुम योजना के तहत सोलर पंप भी लगा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस बीच 20 अलग अलग जगहों पर 3,000 युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। साल 2019 से अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूत किया गया। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। पीएम गुजरात के वडोदरा में वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 बनाने के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सोमवार को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेने गुजरात के पंचमहल में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश पुलिसकर्मी से पिस्तल छीनकर भाग रहा था जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने पीछा किया, लेकिन इस बीच बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी जिसमें पुलिसकर्मी को गोली लग गई। इसके बाद पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई जिसमें बदमाश को भी गोली लगी और घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिहार की सीतामढ़ी में पुलिस और लोगों के बीच झड़प का मामला सामने आया है, जहां सड़क से गाड़ियों को हटाने के समय विवाद बढ़ गया। पुलिस की स्थानीय लोगों से झड़प हो गई। देखते ही देखते लोग पुलिस वालों से भिड़ गए, बीच सड़क पर धक्का मुक्की करने लगे। पुलिस की कार्रवाई से खफा लोगों ने बदसलूकी और परेशान करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के कटनी में 2 पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों ही परिवार के लोग सड़क पर एक दूसरे को पीटते नजर आए। मारपीट के समय कुछ महिलाएं भी नजर आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने मारपीट करने वाले दीपू गुप्ता के परिवार पर मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से संपत्ति विवाद चल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कुछ लड़कों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस बीच चाकूबाजी हुई जिसमें एक 11 साल का बच्चा घायल हो गया। बताया गया कि पटाखा फोड़ने की वजह से विवाद शुरू हुआ था। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जब वीडियो सामने आया तो कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मोबाइल फोन चोरी के शक में कुछ लोगों ने नाबालिगों की पिटाई की और फिर उन्हें गाड़ी से बांधकर सड़क पर घसीटने लगे। बेरहमी से मारपीट करने और गाड़ी से घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मारपीट करने वालों की पहचान भी कर ली गई है।
यूपी के टावा में एक महिला अपने रिश्तेदार की बंदूक से आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में महिला ने कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक कई बार फायरिंग की। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने बंदूक को जब्त कर लिया और महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की जांच में साफ हुआ कि यह वीडियो 24 अक्टूबर का था। जम्मू कश्मीर के डोडा में कार पहाड़ी से लुढ़कती हुई चिनाब नदी में गिर गई। नदी में कार के गिरने से पहले का वीडियो भी सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नदी से महिला का रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि यह हादसा कार को पीछे करने के समय हुआ। मध्य प्रदेश के सतना में टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगी थी, जो थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई। आग इतनी तेज थी कि गोदाम के दूसरे फ्लोर भी इसकी चपेट में आया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी देर तक कड़ी मेहनत करने के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आग का आतंक देखने को मिला। वहां पर देर रात आलमबाग के चंदन नगर पुलिस चौकी से सटे मार्केट में आग से हड़कंप मच गया। आग की लपटों ने सड़क पर लगी अस्थायी दुकानों को अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू होकर डीजल से भरी टैंकर पलट गई, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई और टैंकर में जबरदस्त धमाके होने लगे। धमाके की चपेट में कई लोग आ गए, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जमीन खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां पर बिजली परियोजना के पास यह हादसा हुआ, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई लोग मलबे में दबे थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात एक पाकिस्तान का ड्रोन रामगढ़ सेक्टर में भारतीय क्षेत्र के भीतर कुछ मिनट तक रहा और फिर वापस पाकिस्तान की ओर निकल गया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन से हथियार और ड्रग्स गिराए जाने की आशंका जाहिर की है। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाला ये पावन पर्व कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद पूरा होगा। छठ पूजा के लिए दिल्ली और NCR में जगह जगह पर घाट बनाए गए हैं और विशेष तैयारियां भी की गई है, जहां छठ व्रती डूबते और उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे।